नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। हमने एग्जाम के लिए जितने भी तथ्य या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है और सभी वीडियोज के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कण वंश प्रारंभ करेंगे। कण वंश, सुंगों के पश्चात कण वंश का उदय हुआ। वसुदेव जो कण वंश का था, इसने अंतिम सुंग शासक देवभूति की 75 ईस्वी पूर्व में हत्या करके कर्ण वंश का या कर्णवायन का शासन प्रारंभ किया। कर्णवंशी शासकों ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। कर्णवंशी चार शासक हुए। पहले थे वसुदेव जो कर्णवंश के संस्थापक थे, दूसरे भूमिमित्र, तीसरे थे नारायण और चौथे शासक थे सुशर्मा। इन शासकों ने क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्षों तक शासन किया। सुशर्मा अंतिम कर्ण राजवंश का शासक था। पुराणों में कहा गया है कि इन शासकों के बाद पृथ्वी का राज्य आंध्र वंश के हाथों में चला जाएगा। कण्वों के पतन से लेकर कुषाणों के द्वारा मगध विजय का इतिहास प्रमाणों और स्रोतों पर आधारित है, अर्थात इतिहास का विस्तृत वर्णन हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है। इस समय अगर हम देखेंगे तो मित्र नाम वाले शासक जैसे इंद्राग्नि मित्र, बृहस्पति मित्र, अन्य शासकों के नाम सिक्के या अभिलेखों पर हमें खुदे हुए मिले हैं। बोधगया के पट्टी अभिलेखों में इन शासकों के नाम हमें मिलते हैं। इन शासकों में पांचाल, मथुरा, कौशाम्बी, अयोध्या के मित्र शासकों के साथ जोड़ने का स्पष्ट प्रमाण भी हमें नहीं मिलता है। ये सभी स्थानीय शासक प्रतीत होते हैं। इस समय कोई मौर्य साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई देता है, ये सभी स्थानीय शासक ही थे। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य के स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए। इस समय की सर्व प्रमुख राजनीतिक घटना थी बृहस्पति मित्र के शासन काल में कलिंग राज खारवेल का मगध पर आक्रमण करना। मौर्योत्तर काल में सुंगों के पतन के पश्चात मध्य एशिया और भारत पुनः विदेशी आक्रमणकारियों की क्रीड़ा स्थली बन गया। यहाँ बार बार विदेशी आक्रमण होने लगे। इस मार्ग से होकर सबसे पहले इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन ग्रीकों, सकों, हिंद पार्थियन या पहलों तथा सबसे अंत में कुषाणों ने आक्रमण किया। कुषाणों का आक्रमण सबसे प्रभावी प्रभाव वाला माना जाता है। इन समस्त आक्रमणकारियों में शक और कुषाण ही सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इन्फिनिटी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।